नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एक बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो सभी पौधों से सबसे तेजी रफ्तार से बढ़ता है, उसी पौधे के बारे में आज मैं आपके साथ इस वीडियो में जानकारी शेयर करूंगी। तो ये जो आप स्क्रीन पे प्लांट देख रहे हैं, ये हैं फ्रेंड्स बैम्बू पाम। ये प्लांट घर में लगाना अत्यंत शुभ होता है। अगर आप इसको लगाना चाहते हैं तो आप अपने घर में इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये देखने में बेहद खूबसूरत होता है। इसे बैम्बू पाम क्यों कहा जाता है? बैम्बू पाम एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्लांट होता है। देखिए, इस तरीके से इसका तना होता है और छोटे छोटे पार्ट में इसका ये कटा होता है। ये जो इसका तना होता है, ये बिल्कुल अंदर से खोखला होता है, बहुत हल्का होता है। और जो इसकी बाहर की तरफ होती है ना, ये थोड़ी हार्डी होती है। ये प्लांट अगर आप अपने घर में ऐड कर लेते हैं तो फ्रेंड्स, ये बहुत लंबे समय तक प्लांट आपके गार्डन में बना रहता है। जब हम इस प्लांट को लगाते हैं, छोटा सा प्लांट होता है, तो 5 साल में ये प्लांट हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप इसको एक बार लगा लेते हैं तो ये प्लांट आपको कभी भी निराश नहीं होने देता है। घर में इस प्लांट को सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए आप इसको अपने होम गार्डन में ज़रूर ऐड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो ये पॉट में लगा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको ज़मीन में लगा देते हैं तो ज़मीन में ये बहुत तेज़ी रफ्तार से बढ़ता है। ज़मीन में लगने के बाद इस प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है और कभी कभी तो थोड़े ही समय के लिए ही सही, पर लेकिन इसकी ग्रोथ 24 घंटे में 1 मीटर तक पहुंच जाती है। इसमें नीचे की तरफ जो तना होता है, इसमें नीचे की तरफ इस तरीके से गांठ होती है और इस गांठ के नीचे से ही इसमें से जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं, कुछ इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पर आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें जो है यहाँ ये जड़ें निकलना शुरू हो गई हैं। तो इस तरीके से ये प्लांट इस तरीके से यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाता है। आप देखिए, ये पुराना वाला प्लांट है, इसका मदर प्लांट है ये, लेकिन इसी में से देखिए ये एक गांठ निकलना शुरू हो गई है। जब ये गांठ निकलना शुरू हो गई है तो यहीं से इसके नीचे से जड़ें निकलना शुरू हो जाएंगी। बस आप इस तरीके से एक ही प्लांट लगा लीजिए और लगाने के बाद इस तरीके से इसमें बहुत सारी गांठें बनना शुरू हो जाती हैं और ये पूरा पॉट जो है धीरे धीरे बहुत सारे इस तरीके से बैम्बू बनना शुरू हो जाते हैं। अब जिस तरीके से ये गांठ निकली है, आप ये देख रहे हो ना, यही वाला पार्ट जो है इसका बैम्बू बनता है। ये निकला यहाँ से, अभी इसकी एक पत्ती निकलेगी और उसी के अंदर से वो पत्ती निकलकर फिर आगे चलेगी और आगे चलने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से ये आगे बढ़ा और इसके बाद ये पत्ती इसमें से अलग हो गई और ये ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। तो इसी तरीके से आगे की तरफ ये बढ़ता जाएगा और इसकी पत्तियाँ इस तरीके से निकलती रहती हैं। अभी जो आप ये मेरा प्लांट देख रहे हैं, करीबन 5.5 फुट का प्लांट है और ये ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगा, करीबन 12 इंची का पॉट है जिसमें मैंने इसको लगाया हुआ है। मैंने इसमें से एक प्लांट और तैयार किया है। जिस तरीके से आप इसमें कई प्लांट हो जाते हैं, इसको तैयार करने का भी मैं आपको एक तरीका बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि ये जो वाला हिस्सा है ना, आपको ये ध्यान रखना होगा, ये जो गांठ होती है इसमें से जो रूट्स निकलती हैं वो ज़मीन के नीचे चली जाएं। जब ज़मीन से टच हो जाती है तो 15-20 दिन के बाद जब इसकी अच्छे से ग्रोथ हो जाए तब आप इसको यहाँ से कट करके, ये वाला पार्ट जो है ना, यहाँ से कट करने के बाद रूट से निकाल के आप इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर देंगे तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट स्टेप तो मैंने आपको बता दिया इस तरीके से निकलेगा। इसके बाद ये इस पोजीशन में आ जाता है, यहाँ से इसकी पत्ती अलग हो गई, यहाँ हो गई। अब भी देखिए, अब ये इतना बड़ा प्लांट आपका तैयार हो जाता है। इसके कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि ये धीरे धीरे देखिए अभी बैम्बू की शेप में आ जाता है। ये देखिए, इसीलिए इसको बैम्बू पाम कहा जाता है, क्योंकि ये बैम्बू की तरह दिखता है और अंदर से बिल्कुल खोखला होता है। अगर इसकी पत्तियों की बात करते हैं तो जैसे जैसे ये ऊँचाई की तरफ बढ़ता जाता है तो इसकी पत्तियाँ कुछ इस तरीके से होती हैं, बहुत ही पतली पतली, एक पतली पत्ती निकलती है और उसी में से इस तरीके से इसकी बहुत सारी पत्तियां निकल कर आती हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। बैम्बू पाम का जो प्लांट होता है वो पूरे साल में एक बार फल देता है। सफ़ेद रंग का इसका फूल खिलता है
अपनी पूरी लाइफ में ये केवल एक बार ही फल देता है, बाकी ये नहीं देता है। जब तक ही इसका जीवन होता है, जब तक ये फल देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके रख रखाव की बात करें ना फ्रेंड्स, तो सबसे इजी प्लांट है, बहुत तेज़ी से चलने वाला प्लांट है। जैसे और प्लांट में आपने देखा होगा कीट पतंगे और बीमारियों का अटैक हो जाता है, लेकिन ये जो बैम्बू पाम प्लांट होता है, इसमें किसी भी कीट पतंगे या फिर किसी भी बीमारी का अटैक नहीं होता है। जैसे आप कभी कभी क्या होता है, किसी पौधे को पानी देना भूल जाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो सूखे वातावरण में भी बहुत तेज़ी से सर्वाइव करता है। सूखा पड़े या फिर ज़्यादा बरसात पड़े, इस प्लांट पर ऐसा कोई भी असर नहीं हो पाता है कि जिससे ये प्लांट ख़राब हो जाए। और पौधों के मुकाबले ये 30% ऑक्सीजन छोड़ता है। जैसे पीपल का पेड़ होता है ना, वो दिन में कार्बन डाइऑक्साइड और रात को ऑक्सीजन रिलीव करता है, सेम इसका वही होता है। ये दिन में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और नाइट में जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है। ये एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक वाला पौधा होता है। साथ ही साथ गार्डन में लगाने के साथ साथ ये आपके, इसकी एक खास बात और होती है, जो बांस का पौधा होता है वो सीधे आपके हेल्थ पे भी असर करता है। बांस के ताज़े पत्तों को पीसकर और उबालकर चाय बना सकते हैं आप। यह सिलिकेट से भरपूर होता है जो पाचन में सुधार करता है, सूजन में और कोलेस्ट्रॉल में भी आपकी बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। पाम प्लांट की 1000 से भी ज़्यादा वैरायटी होती है, लेकिन जो मेन पाम होते हैं वो ज़्यादातर देखे होंगे आपने कि जैसे पॉनीटेल पाम है, लेडी पाम है, मैजिस्ट्री पाम है, पार्लर पाम है। मोस्टली ज़्यादातर एरिका पाम को ही घरों में लोग लगाते हैं। अब देखिए यहाँ भी इसका फूल निकला था, लेकिन ये अपने आप ही सूख गया। इस तरीके से पत्ती निकली, यहाँ से सूख गई, यहाँ से इसको आप कट कर देंगे, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो इस तरीके से ये बिल्कुल सेपरेट होता चला जाता है। नीचे की पत्तियाँ सूखती जाती हैं और ऊपर की तरह इसका जो है कुछ इस तरीके से बढ़ाव होता चला जाता है। इस प्लांट को आप आउटडोर भी लगा सकते हैं और इंडोर भी लगा सकते हैं। इंडोर लगाने के बाद तो ये प्लांट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन जब आप इसको इंडोर लगाते हैं तो इसमें कम से कम पानी दें। और अगर इसकी मिट्टी की बात करें तो मिट्टी फ्रेंड्स, कोई भी ज़्यादा आप इसको फर्टिलाइज़र ना दें, कोई भी खाद आप इसको ना दें। मैंने बिल्कुल ये नॉर्मल मिट्टी में लगाया हुआ है, आप इसको नॉर्मल मिट्टी में लगाइए। अगर आप कुछ इसमें ज़्यादा कुछ फर्टिलाइज़र देंगे या फिर खाद देंगे तो नीचे से इसकी जो है पूरी तरीके से ये रूट, ये देख रहे हो ना, ये पूरी तरीके से इसकी गल जाएंगी। तो जितना इसको आप सूखा रखेंगे उतना ही ये प्लांट आपका बहुत अच्छा चलेगा। इसकी पौधे इसकी जो जड़ है वो गलना शुरू हो जाएं। अब ये वाला प्लांट ही देखिए, मैंने इसी से ही तैयार किया है। मैंने ये 2 महीने पहले इसमें से अलग कर दिया था और इसमें देखिए कितनी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। ये पत्ती अभी तभी थी इसमें जब मैंने इसको अलग किया था, लेकिन उसके लगाने के बाद यहाँ से देखिए इसमें नई पत्ती ने निकलना शुरू कर दिया है। तो इस तरीके से आप इसको सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग से तैयार भी कर सकते हैं और एक ही प्लांट से आप कई प्लांट भी बना सकते हैं। अगर प्लांट छोटा होता है तो नर्सरी में आपको कम रेट में मिलेगा, जैसे ही प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसके रेट ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप जब भी प्लांट लें नर्सरी से हमेशा छोटी साइज़ का ही लें। एक मेरे पास ये वैरायटी है, इसे सिकाज या सागा पाम भी बोलते हैं। ये बहुत हार्डी होती है और ये प्लांट ना बहुत जल्दी से ख़राब होता है। जैसे ही ये प्लांट होता है, यहाँ से इसकी पत्तियाँ जैसे ही निकलेंगी ना, वैसे ही कीड़ों का अटैक हो जाता है। अगर आपके पास ये प्लांट है तो इसमें हमेशा ध्यान रखें कि कीड़े का अटैक ना हो। और इसमें कम से कम कभी कभी तो 15 दिन में एक पत्ती निकलती है और कभी तो महीनों लग जाते हैं इसकी पत्ती निकलने में। इसकी पत्ती हार्डी होती है और थोड़ा नुकीली भी होती हैं। एक वैरायटी और है मेरे पास, ये अम्ब्रेला पाम है। बहुत ही अच्छा प्लांट है, देखिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। नीचे से इसमें छोटे छोटे से बल्ब होते हैं और नीचे से ही इसमें इतनी सारी जो है ये पत्तियों का स्टॉक निकलता है और इस तरीके से दिखने लगता है। जब ये प्लांट बहुत ज़्यादा बुशी हो जाता है, पूरा पॉट कवर कर लेता है, तो आप इसको इसमें डिवाइड करके अलग पॉट में शिफ्ट कर दीजिए। अम्ब्रेला पाम को देखिए कुछ इस तरीके का लगता है, ये बहुत ही सुंदर होता है और इस तरीके का इसका लुक होता है। आप इसको छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। छोटे से पॉट में जब ये लगता है तो बहुत ही ज़्यादा
सुंदर दिखता है। आप इसको छोटे से पॉट में भी लगा सकते हैं। लंबे समय तक और कम केयर वाला प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। घर के लिए भी अच्छा है और आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। बहुत ही अच्छा ऑक्सीजन वाला प्लांट है, आप इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अभी तो ये पॉट में लगा हुआ है, लेकिन अगर जब ज़मीन में लगेगा तो इसकी ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है। ये वही बैम्बू पाम प्लांट है जिससे घर बनाए जाते हैं, घर को सपोर्ट दिया जाता है, बेस बनाया जाता है, और साथ ही साथ जो इसका बीज होता है उसमें 60.36 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 265.6 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। आपने ये अपने घर के अंदर रखा है तो इसकी सूखी पत्तियों को साथ ही साथ हटाते रहें, ताकि आपका पौधा स्वस्थ और साफ सुथरा दिखाई दे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।